देखो गाइस, ये मैंने पैंट की मोरी बनाने के लिए पट्टी ली है उसी कपड़े की, और इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है और लंबाई में ये मैंने 12 इंच की ली है डबल फोल्ड में। अब हम क्या करेंगे, इस पर पिन टैक्स बना लेंगे पूरी पट्टी पे, ऐसे स्केल के साथ 1-1 इंच का गैप देते हुए हम पूरी पट्टी पे देखो स्केल लेंगे और इसके साथ ऐसे पूरी पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पे हम पिन टैक्स बना लेंगे, ऐसे जो लाइन लगाई है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जल्दी में हम अगर हो तो ऐसे दूसरी तरफ से उठा लेंगे, हम एक साथ हमारे 2 तैयार हो जाएंगे। देखो अगर जल्दी करना है कम टाइम में तो ये जो निशान लगाया है दोनों तरफ से उठा के हम ये लगा लेंगे, 2 तरफ के बन गए हम हमारे। अब कट लगाएंगे कैंची के साथ और इस तरफ से अब यहाँ से उठा लेंगे। तो देखो गाइस, ये पट्टी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको प्रेस के साथ सीधा कर लेंगे बिल्कुल। तो देखो गाइस, मैंने ये बुकरम लिया और इसको 2 बार फोल्ड कर लिया ऐसे, ये बन साइड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे जैसी हमें मोरी लेनी है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी ऐसे 2 इंच छोड़ के, और हम ऐसे ये डिज़ाइन बना लेंगे। ऐसे हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से सेम शुरू करेंगे और ऐसे बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको कट कर लेंगे सेम ऐसे। देखो गाइस, ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देखो ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब हमने जो ये पट्टी तैयार की है पिनटेक्स के साथ, उस पर हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखो गाइस, इस कपड़े पे मैंने इस पट्टी को प्रेस के साथ चिपका लिया है। अब हम आधा इंच छोड़ते हुए इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। देखो गाइस, ये हमने कट कर लिया। अब इसके एक साइड से हम फैब्रिक ग्लू के साथ इसको चिपका लेंगे। तो देखो गाइस, पहले हम क्या करेंगे, पूरे पे ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। ऐसे अब ये फैब्रिक ग्लू लेंगे हम और ये ऐसे लगा लेंगे पहले थोड़ी थोड़ी। देखो गाइस, ये फैब्रिक ग्लू है, इसको मैंने इस पर अब कट लगाने के बाद इस पर लगा लिया है और इसके साथ हम इसको फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। देखो इसको हम
पूरे पार्ट को ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। और इसको 5 मिनट के लिए हम सुखा लेंगे। देखो फ्रंट से ये ऐसा आएगा और इसको 5 मिनट के लिए हम सुखा लेंगे। तो देखो गाइज ये चिपक गया फैब्रिक ग्लू के साथ अच्छी तरह, और मैंने इसको आधा आधा इंच का काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। और मैंने ये पाइपिन की डोरी बनाई थी और उसे दो दो इंच की ये काट लिए मैंने। अब इसके साथ हम इस पर डिज़ाइन देंगे। तो ये दो दो इंच की काटने के बाद मैं इसको ऐसे करूँगी और इसके यहाँ पे किनारे पे लगा लूँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी हमें मोरी चाहिए उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। जैसे मैं बीच, ये है मेरा सेंटर, तो मेरे को चाहिए 14 7 इंच की, मतलब दोनों तरफ 14 इंच की। तो यहाँ से मैं 14 पे निशान लगाऊंगी और आधा इंच का और निशान लगा लूँगी। यहीं से मैं एक 14 का और एक आधा इंच का निशान लगा के यहाँ से लगानी शुरू करूँगी, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं डोरी लगाना शुरू करूँगी। देखो गाइज यहाँ पे हम इसको रखेंगे डोरी को और सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। ऐसे और लेंगे डोरी। इसमें भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हम डोरी लेंगे। सिलाई लगा लेंगे। तो देखो गाइस ये डोरी हमने ऐसे लगा ली है। अब इस पे मोरी पे हम इसको अटैच कर लूँगी। तो देखो गाइस ये मैंने पैंट की मोरी ले ली है। देखो ये मेरे पैंट की मोरी है और इसको मैंने उल्टा कर लिया उल्टे पे, और उल्टे पे हम इसको ऐसे अटैच करेंगे। इसको ऐसे अटैच कर लेंगे और इसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। इस लाइन के साथ साथ सिलाई लगाएंगे हम। देखो ये जो हमने लाइन लगाई है ना, इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर कि ये चीज़ इस लाइन पे आए। पहले तो हम क्या करेंगे, इस पे पिन अटैच कर लेंगे। इस पे यहाँ पे आप चाहो तो पिन भी अटैच कर सकते थे ऐसे, ताकि ये हमारी इधर उधर ना हो और बिल्कुल अच्छी से लग जाए। देखो मैंने पिन अटैच कर लिया। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। यहाँ से मैं शुरू करूँगी। तो देखो गाइस इस पे हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साथ साथ इसके। यहाँ से हम शुरू कर लेंगे। तो देखो गाइस ये हमारी सिलाई लग गई यहाँ पे। अब इन पिनों को हम हटा देंगे, इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। ऐसे आधा आधा इंच का ये कपड़ा छोड़ देंगे हम मार्जिन, जैसे मैंने ये डिज़ाइन में छोड़ा हुआ है।
और बाकी को हम कट कर लेंगे। तो देखो गाइस ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया, अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे छोटे छोटे। देखो गाइस ये पल्ट मैंने लगा लिया, अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखो फोल्ड करने के बाद ये हमारी ऐसे लुक हो जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे सबसे पहले इस पे। तो देखो गाइज यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, अब यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखो गाइज मैंने ये पाइपिंग बनाई है, इसके साथ साथ हम इस पाइपिंग को भी अटैच करेंगे, साथ साथ पाइपिंग लगाएंगे हम इसके, ताकि हमारी मोरी की लुक और भी अच्छी आए। तो देखो गाइस ये हमारी पाइपिंग के साथ अटैच हो गई है। तो देखो गाइस ये हमारा बनके तैयार हो गया ऐसे, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके बीच में मोतियों को अटैच कर लेंगे ऐसे। यहाँ से मैं निकालूंगी, और ये मोती लूंगी सेंटर में, और इसके साइड में से हम निकाल लेंगे ऐसे, दूसरे साइड ले जाएंगे। अब देखो ऐसे ऐसे हम पूरे में अटैच कर लेंगे ये मोती। इस टाइप से अटैच करके फिर आपको। तो देखो गाइस मोती लगने के बाद हमारी मोरी का डिजाइन कुछ इस टाइप से होगा, तो कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे ऐसे, फोल्ड करके मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो देखो गाइस हमारी पैंट के मोरी का डिजाइन कुछ ऐसा आएगा, देखो। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।